अरे अम्मा आ गए स्कूल से। क्या बनाई हो लंच में? बेटा मैंने तेरे लिए घुइया की सब्जी, घुइया के परांठे और घुइया की बिरयानी बनाई है। का घुइया? अरे जब देखो बस घुइया ही बनाते रहती हो। हमारी लाइफ भी बिल्कुल घुइया जैसी ही हो गई है। अरे ऐसे ना बोलते बेटा, मम्मी के हाथ का खाना तो नसीब वालों को मिले है। हम जा रहे हैं बाहर जाकर खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, सर्दियों में बाहर का नहीं खाते हैं। खट्टा मीठा तीखा चटपटा तुमने खा लिया, गला खराब हो गया तो? नहीं 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 नहीं, घर का ही खाओगे बाहर का नहीं। तो ठीक है फिर, भूखे पेट ही जा रहे हैं ट्यूशन, आप ही खा लीजिएगा घुइया। अरे लड़के को ना चटपटे खाने की कदर नहीं है, इतना सारा घुइया बनाया बेस्ट हो जाएगा। अम्मा तो हमको घुइया की सब्जी खिला रही थी, लेकिन हम तो टेस्टी टेस्टी अपने फेवरेट समोसे खाने आए हैं। अरे भैया जी, एक प्लेट गर्मा गर्म समोसे की प्लेट लगा दीजिए, और हाँ उसमें अपनी वर्ल्ड फेमस चटनियाँ भी डाल दीजिएगा। बहुत पसंद है हमको, बहुत पसंद है। लो बेटा रेडी है। अरे वाह, थैंक यू भैया जी। अरे वाह वाह वाह, अरे समोसा, हरी चटनी, मीठी चटनी, वाह भैया जी मजा आ गया। वाह वाह वाह, क्या बनाए हो, आपकी चटनियां तो एकदम लाजवाब है। वाह वाह वाह, सच में भैया जी आपकी चटनी तो वर्ल्ड फेमस है। अम्मा जी रहुआ, लेकिन अम्मा तुम तो बोल रही कि सर्दियों में बाहर का नहीं खाना चाहिए, गला खराब हो जाता है। बेटा कभी कभी खाने से कुछ नहीं होता है। और अम्मा घुइया की सब्जी वो तेरे पापा खा लेंगे। अरे वाह वाह वाह, एक बार ना पैक भी करा के ले जाएंगे। हाँ भैया बहुत मजा आ रहा है। हेलो अंकल। बोलो चीकू बेटा। अंकल मुझे समोसा खाना है। अच्छा अंकल, समोसा कितने का है? 15 रुपया। क्या 15 रुपीज? अंकल आपके समोसे के रेट इतने ज्यादा क्यों है? अरे वर्ल्ड फेमस जो है। ओ हाँ, वैसे अंकल मुझे ना दही समोसा बहुत पसंद है, अगर आप मुझे दही समोसा बनाकर दोगे तो दही के एक्स्ट्रा पैसे कितने लोगे? 5 रुपया। 5, 15, 5, 20, अच्छा सिर्फ 20 रुपीज में? हाँ। वैसे अंकल आप चटनियों के एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लोगे? अरे नहीं नहीं, चटनियों के एक्स्ट्रा नहीं। अंकल फिर बना दो। ये लो चीकू रेडी है। अरे वाह, दही समोसा माय फेवरेट। अंकल मुझे ना ये बहुत पसंद है, लेकिन मम्मी ना मुझे मना करती है खाने के लिए, बोलती जंक फूड है। मम्मी कभी यहाँ पे आए ना तो उनको बताना मत कि मैं आपके स्टॉल में ये खाने आया था, ठीक है ना? अंकल दिस इज सो गुड, वाओ, समोसा विद दही, वाओ अंकल मजा आ गया। मैं ना अपने फ्रेंड्स को भी बोलूंगा यहीं पे आकर खाए। वाओ समोसे। चिंकी चल समोसे खाते हैं। हाँ लेकिन हम दोनों ना मनी 50-50 करेंगे। ओके 15 मेरे 15 मेरे। ओके भैया 2 समोसे लगा दो। हाँ अभी लगाते हैं। लो रेडी है। अरे वाह। रुक जा, पहले मुझे इसकी फोटो खींचने दे। हाँ ठीक है खींच ले। हाँ जान खा भी ले। एक सेकेंड मुझे स्टेटस अपडेट करने दे। ईटिंग समोसास आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम, पुट इन मीठी तीखी चटनी, ओ माय गॉड, स्वर्ग होता है स्वर्ग विद माय नॉट सो कूल ब्रदर, हैशटैग 15-15 रुपीज वाला समोसा, हैशटैग मीठी तीखी चटनी डाली फिर आ गया मुंह में पानी। वाओ मैं तो एकदम राइम क्वीन भी हूँ।
मैंने एक समोसा अभी तक खत्म भी कर दिया, इसकी सेल्फियां अभी तक खत्म नहीं हुई। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को रेड़े पे आके तीखी मीठी चटनी चटाई। ये लो भैया पैसे, और पैसे ना आप इस लड़की से ले लेना। ठीक है, थैंक यू। वाओ, डन पोस्टिंग, अब मैं खाऊंगी समोसा। मिकू, मिकू कहाँ चला गया? भैया ये बोल रहा था समोसे के पैसे आप दे। सारे पैसे मैं दूंगी, लेकिन क्यों? अरे वो आपके साथ था ना, इसलिए। मम्मा। ओ जय जय शिव शंकर, आज मूड है भयंकर। मेरी हनी बनी, मेरी क्यूटी पाई, मेरी बेटर हाफ। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू, सेम टू यू, थैंक यू। हाँ। अरे कैसे गुब्बार से शादी कर ली, थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं दे रहा। अरे आज तुम कितने साल की हो गई हो बताओ? अरे ये आप क्या पूछ रहे हो? अरे चलो छोड़ो। देखो तुम्हारा बर्थडे है ना, तो हम तुम्हें सरप्राइज देने के लिए लेकर आए हैं। अरे ये कोई सरप्राइज होता है क्या? मैंने सोचा तो मस्त होटल में जाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे। अरे तो होटल में जाके क्या खाती तुम बताओ? रोटी सब्जी दाल चावल। यहाँ क्या है? समोसा। समोसे के अंदर जो आलू होता है वो क्या होता है? वो होता है सब्जी। जो उसके बाहर का लेयर होता है वो क्या होता है? वो होता है रोटी। तो हो गया ना सब्जी रोटी। Oh my God, you are so genius. वहां जाते 2000 का खर्चा हो जाता, तुम्हें ठीक लगता? Oh my God, no no never. फिर चलो खाते हैं समोसा। भैया दो प्लेट लगा दीजिए। हाँ हाँ अभी लगाते हैं। एक काम करो, दही समोसा कर दो जी। अरे नहीं नहीं, दही से फैट बढ़ जाता है, मैं तो इसे समोसे के साथ मीठी और तीखी चटनी खाऊंगी। हाँ जी, हो गया रेडी। हो गया है रेडी, दे दीजिए दे दीजिए। अरे वाह वाह, ये देखो, मेरे को लगता है ये तुम्हारा सबसे बेस्ट बर्थडे है अब तक का। Oh my God, this is the best birthday surprise I have ever got. वैसे कभी सोचा नहीं था ठेले में अपना बर्थडे बनाऊंगी, but still it's okay. मजा आ गया। माँ बाप करोड़पति लड़का ढूंढ रहे थे, मुझे ही तुमसे लव मैरिज करने की पड़ी थी, अब यही मिलेगा ना, और क्या मिलेगा। खुशी के आंसू आ गए। इतना याद तो मैंने अपने नानी को भी नहीं किया जितना याद मैंने आपके हाथ के बने समोसों को किया। आपके हाथ के बने समोसे मेरा फेवरेट है, बहुत याद किया मैंने इनको। वैसे क्या हुआ कि मैं अपने माँ के हाथ का बना खा करना पक गया था। नहीं ऐसा नहीं है कि मेरी माँ अच्छा खाना नहीं बनाती, वो क्या है कि माँ भी अच्छा खाना बनाती है, उन्होंने भी समोसे बनाने का ट्राई किया, लेकिन आपके लेवल तक माँ नहीं पहुंच पाई, मुझे माँ की झूठी तारीफ करनी पड़ी। हाँ माँ तो माँ। अरे क्या अंकल, इतनी बातें कर दी आपने, कितनी बातें करते हो, चबर 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 चबर, इतने में तो मैं 10 समोसे खा लेता क्या। अरे जल्दी से फटाफट एक प्लेट समोसे का लगाओ ना। हो ये लो। अरे वाह। अरे मीठी चटनी है। वाह मजा आ गया अंकल, वाह। अरे हाँ, मैं आपको एक जोक सुनाना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, अरे सुनो ना। देखो देश क्या ही हुआ हो, अगर तुम देश बदलना चाहते हो तो अभी बदल दो, क्योंकि अगर तुम्हारी शादी हो गई तो तुम देश क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे।
अच्छा लगा ना, अच्छा लगा ना। एक और जोक सुनाता हूँ। अरे रहने दीजिए। एक बार ना एक पत्नी खाना बनाती हुआ, और वो खाना बहुत टेस्टी भी होता है और नहीं भी होता है, लेकिन उसका पति बोलता है कि ये क्या तुमने गोबर जैसा खाना बनाया है। तो पत्नी बोलती है, हे भगवान, क्या इन्होंने गोबर भी खाया हुआ है। मैं जब सुना ना तो मेरे तो हालत खराब हो गई। और जोक सुनाता हूँ। ये कौन सा लगा है? पता नहीं, खाते हुए मैं जिसको भी चटपटे जोक सुनाता हूँ वो क्यों टपक जाता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता। हाय गाइस, मुझे तो समोसे खाकर मजा ही आ गया। आई होप आपको उतना ही मजा इस वीडियो को देखकर आया हो। आपको किस तरह के समोसे पसंद हैं? मीठी चटनी के साथ, तीखी चटनी के साथ, प्लेन कि दही समोसा? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।